तो बेटा जी शुरू करते हैं ये सवाल. द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइनाइट्रोजन. व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइनाइट्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार विल बी रिलीज वेन 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वेट. आप समझो बात क्या है. जो ड्रेनेक्स होता है उसमें कास्टिक सोडा होता है और एल्यूमिनियम होता है, जो आपस में रिएक्शन करने के बाद में डाई हाइड्रोजन देते हैं. क्या देते हैं? डाई हाइड्रोजन. क्लियर है? तो देख लेते हैं रिएक्शन क्या है. वो एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा से रिएक्शन करता है, पानी उसमें होता ही है, और क्या बनाता है बेटा जी? एक तो बनाता है NaCl2O2 और एक बनाता है डाई हाइड्रोजन और डाई हाइड्रोजन. इसको बैलेंस कर लेंगे. ठीक है बेटा जी. जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहां देखोगे कि 2 मोल बेटा जी 2 मोल 3 मोल के बराबर है. यानी कि बराबर इन द सेंस 2 मोल अगर एल्यूमिनियम यूज होता है कास्टिक सोडा के साथ तो 3 मोल क्या बनता है? डाई हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बनती है. हाइड्रोजन गैस. क्लियर है या नहीं है? आप समझो. अब समझो तो इसका मतलब क्या है बेटा जी? इसका मतलब ये है कि आपका अगर मैं बात करूं एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर 1 एटीएम पर अगर कोई भी गैस 1 मोल रखती है, कितना? 1 मोल, तो एट एसटीपी कंडीशन पे उसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है. कितना होता है? 22.4 लीटर. क्लियर है या नहीं? तो यहीं पे देख लेंगे सब कुछ. अगर एसटीपी चल रहा है तो कितना है? 3 मोल. अगर 3 मोल है तो कितना वॉल्यूम रखेगा? अगर 1 मोल में 22.4 है, 1 मोल में 22.4 है, तो बेटा जी 3 मोल में कितना होगा? आप इंटू कर लो उसकी. क्लियर है या नहीं है? आप समझो. यानी कि ये इतना प्रोड्यूस करती है लीटर में. अब क्या है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 मोल है, 2 मोल मतलब 2 × 27 मतलब होता है एटमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम. 2 मोल है, 1 मोल में 27 ग्राम होते हैं, तो 2 मोल कितना? 82 हो जाएगी. तो 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रेट करके कास्टिक सोडा से मुझे 22.4 × 3 लीटर क्या देता है? ऑफ हाइड्रोजन गैस देता है. क्लियर है या नहीं है? अब अगर मैं कहूं 1 ग्राम, क्या बेटा जी 1 ग्राम है तो कितने जाएगी वो? 22.4 × 3/54 लीटर. क्लियर है? इसलिए बेटा जो बचपन पढ़ते आए हैं वो यूज करना है. अब हमने कहा है 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो क्या हो जाएगा बेटा जी 22.4 × 3/54 × 0.15. क्लियर है या नहीं है? तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 0.186. कितना आएगा? 0.186 लीटर. क्लियर है? 6 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे. 6 6 ठीक. अब ये आ गया वॉल्यूम. कब? एट एसटीपी कंडीशन. एट एसटीपी कंडीशन नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. अभी हमने बात करी, हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया. यानी कि एसटीपी अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री. प्रेशर कितना है? 1 एटीएम. वॉल्यूम अभी हमने निकाला है 0.18 लीटर. हम कह सकते हैं इसको 186 6 या 6 था ना, तो 6 6 या 6 7 कर लो उसको. जब कैलकुलेट करोगे इतने आएगा ml. क्लियर है? हमें साथ ही साथ बताया गया है कि अगर नॉर्मल कंडीशन पे जब मेरे पास टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम बोल सकते हैं 293 केल्विन. प्रेशर कितना है? 1 bar, यानी कि 1 bar को हम बोलते हैं कि हमें 987 atm. क्लियर? वॉल्यूम हमें निकालना है. तो T1 V1 P1 T1 T2 P2 V2 निकालना है. जब ऐसी स्थिति होती है, जब हमारे पास 2 प्रेशर 2 टेम्परेचर 2 वॉल्यूम अलग अलग सिस्टम के होते हैं, तो हम लगाते हैं क्या है, P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2. क्लियर है? अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे. क्या पुट कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे. तो P1 कितना है बेटा जी? 1. कितना है? 1. V1 कितना है बेटा जी? 186. कितना है? 186.6. और T1 कितना है? 273. P कितना है बेटा जी? यहां पे P कितना है? 0.987. और बेटा जी
हमारे पास V2 निकालना है, V2 निकालना है, क्लियर है नहीं? और ये कितना है 93, तो यहां से V2 निकाल लोगे, ये इधर चला जाएगा, तो 0.8.6 इंटू 293 अपॉन 273 डिवाइड बाई 0.987, क्लियर है या नहीं है? बात को समझो, ठीक है। तो जो V2 है हमारे पास, V2 कितना जाएगा सोल्व करके, 203 ml, कितना जाएगा 203 ml, ये हमारा आंसर है, नोट कर लो।